हेलो एवरीवन, मैं खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज से आर्किटेक्ट रितु सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर से आज आपको सब्जेक्ट कोड AR301 हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया का सेकेंड टॉपिक खलजी डायनेस्टी एक्सप्लेन करूँगी। इस एक्सप्लेनेशन के एक्सट्रैक्ट्स मैंने इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया बाय पर्सी ब्राउन से लिए हैं। खलजी डायनेस्टी इंडिया में, इसका टाइम पीरियड 1290 to 1320 AD तक का है। ये सेकेंड मुस्लिम रूल इन इंडिया कहा जा सकता है। इसके जो रूलर्स थे वो टर्किश लोग थे, जो कि खलजी विलेज गजनी में है, गजनी के पास में है, वहाँ से बिलोंग करते थे। इसीलिए इस डायनेस्टी को हम खलजी डायनेस्टी बोलते हैं। द मोस्ट एक्टिव रूलर इन दी बिल्डिंग आर्ट, जिसको हम बोलेंगे, वो अलाउद्दीन खलजी हैं। तो हम इनके जो जितने भी काम इन्होंने अंडर अपनी अपनी बेल्ट के अंडर लिए, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये 1290 AD में दिल्ली के थ्रोन पे इन्होंने कब्जा किया और वहाँ से इनका ये जितना भी काम है, वो कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो हम आगे ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। इनका सबसे जो महत्वाकांक्षी काम था वो था जो कुतुब कॉम्प्लेक्स अभी तक हमने पढ़ा है, जिसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मॉस्क बनाई, उसके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने जो सेकेंड मॉस्क बनाई उसको, उससे भी बड़ी एक पूरा एनक्लोजर जिसमें ये दोनों मॉस्क अंदर आ जाएं। मैं आपको ये नेक्स्ट फिगर में एक्सप्लेन करूँगी कि देखो, ये जो अपन बात कर रहे थे ये तो था कुतुबुद्दीन ऐबक टोम, जिसको अपन कुआतुल इस्लाम या कुतुब मॉस्क भी बोलते हैं। ये सेकेंड एनक्लोजर था जो कि शमशुद्दीन इल्तुमिश ने जो मॉस्क को कवर किया था। इसके बाद दिस इज दी थर्ड एनक्लोजर। अब आप ये देखो, इस तरफ नॉर्थ है, तो इस एनक्लोजर में ये एक वापस से इन्होंने मॉस्क, बड़ा बिल्डिंग, बड़ा मॉस्क बनाने की कोशिश की थी। ये चारों तरफ इसके क्लॉयस्टर्स देखिए आप, इसमें चार एंट्रेंसेस है। एक तो है टुवर्ड्स दी सदर्न साइड, एक है नॉर्थ साइड से, और बाकी जो दो हैं वो ईस्टर्न साइड से हैं। तो इस चीज़ को इन्होंने जो बनाया, लेकिन चूंकि इनकी डेथ विद इन थर्टी ईयर्स बहुत कम स्पान में ही इनकी डेथ हो गई थी, तो इसीलिए ये बिल्डिंग पूरी कंप्लीट कभी नहीं हो सकी। ये सिर्फ प्लिंथ लेवल तक ये चीज़ें कंप्लीट हो पाई थी, ये जो पूरे क्लॉयस्टर्स, जो एनक्लोजर है ये। सेकेंड उनका जो काम था वो था ये अलाई मीनार। अलाई मीनार एक ऐसी मीनार थी जो आप इसका स्केल भी देख सकते हो, कुतुब मीनार से डबल प्रोपोर्शन की मीनार इन्होंने प्रपोज करी थी, और इनकी स्कीम में था कि इसको उसके डाया वाइज भी डबल होगी और हाइट वाइज भी डबल होगी। बट सिंस आई सेड, जैसे मैंने बताया कि इनकी डेथ जल्दी हो गई थी, तो ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक कंप्लीट हो सकी। जो कंप्लीट स्ट्रक्चर इस पूरे कुतुब कॉम्प्लेक्स में वाया अलाउद्दीन खलजी है, जो कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, वो है अलाई दरवाज़ा। ये अपना ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इससे आगे वाली नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, खलजी डायनेस्टी में जो कुतुबुद्दीन जो अलाउद्दीन खलजी ने जो काम उनके अंडर में है, जिसमें से अपन एक ये जो मॉस्क की बात कर रहे हैं, देन इज अलाई दरवाज़ा एक कुतुब कॉम्प्लेक्स, उसके बाद अलाई हॉर्स, अलाई ये एक वाटर बॉडी है, पानी इकट्ठा करने का एक हॉर्स है। एक नई सिटी इन्होंने बनाई सिरसी फोर्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली, और अलाई मीनार जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, ये अभी अपन ने डिस्कस किया ही था। अब हम अलाई दरवाज़ा की बात करेंगे। तो अलाई दरवाज़ा जो मैंने अभी बताया, जो ये कंप्लीट जो पूरा एनक्लोजर था जो क्लॉयस्टर्स का, जो कि मॉस्क इन्होंने एक और बनाना चाहा था, जो कि कुतुब मॉस्क को और शमशुद्दीन इल्तुतमिश के मॉस्क को भी कंप्लीट करता हुआ नॉर्थ और ईस्टर्न साइड में फैलेगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, सबसे पहले इसके काम को देखने के लिए, इन्होंने एक सदर्न साइड पे गेटवे बनाया था, जिसको हम अलाई दरवाज़ा बोलते हैं। ये ओनली कंप्लीटेड स्ट्रक्चर है बाय अलाउद्दीन खलजी इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स। ये साउथ ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है। इसकी एक्सटीरियर लेंथ 17.22 meters है, वॉल्स की थिकनेस 3.3 meters है। एक क्यूबिकल, ऑलमोस्ट क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, जिसकी इंटीरियर लेंथ 10.6 मीटर है, और इसकी जो फिनिश डोम तक हाइट है वो 14.3 मीटर्स है। आप ये देखो कि कोई बहुत ज़्यादा सब्सटैंशली बिग स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ही मॉडरेट प्रोपोर्शंस का स्ट्रक्चर है, बट
एक मैंने जैसे बताया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ये जो आगे आने वाली बिल्डिंग्स हैं उसके लिए एक माइलस्टोन है। तो इसका जो ऊपर का डोम है ये ऑक्टागनल बेस पे रेस्ट करता है स्क्विन सिस्टम के तरीके से, और जो मैंने आपको अपनी स्लेव डायनेस्टी में भी स्क्विन सिस्टम एक्सप्लेन किया था। और एक सर्कुलर डोम है ये जो कि एक ऑक्टागनल बेस पे रेस्ट करता है। देन हम आगे बढ़ेंगे, अलाई दरवाज़ा, ये आप इसकी बिल्डिंग देख सकते हैं। एक्सटीरियर जो है इसका, तीन साइड से इसमें जो दरवाजे हैं, ऑल फोर साइड्स में सेंट्रल दरवाजा है जो पूरा फुल डबल हाइट दिखता है हमको। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर सैंडस्टोन और वाइट मार्बल में इसमें इंस्क्रिप्शंस किए हुए हैं जो कारीगरी की हुई है। ये कंप्लीट रेड सैंडस्टोन की बिल्डिंग है, इसमें बहुत ही खूबसूरत कार्विंग की गई है। जो इसका मेन, जो अगर आप ये देखोगे, ये सदर्न साइड का जो दरवाजा है एंट्रेंस वाला, ये दरवाजा तो आपका हॉर्स शू टाइप आर्च का है। और बाकी के ये जो दो दरवाजे हैं ये सेमी सर्कुलर आर्चेज हैं। इनमें आप ये देखोगे जो ये प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल पे हॉरिजॉन्टल बड़ा डेकोरेटिव अच्छा फ्रीज, फ्रीज पैटर्न क्या होता है, बहुत हॉरिजॉन्टल बैंड जिसमें बड़ी अच्छी कार्विंग की हुई होती है। फिर इसके जो डबल स्टोरी का इफेक्ट दिया है इसमें, देखिए ये बीच में एक हॉरिजॉन्टल बैंड लगा के नीचे जो ओपनिंग्स दी हैं, परफोरेशंस दिए हैं, ये तो हैं आपके सेमी सर्कुलर आर्चेस। और ऊपर वापस आप देखो ये पैनल्स, रेक्टेंगुलर पैनल्स बना रखे हैं। तो दिस वाज अबाउट योर अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा में जो डेकोरेशन है वो बहुत ही इंट्रिकेट है, और कई कई जगह पर ये थोड़ा सा हिंदू स्टाइल में, जैसे लोटस की जो लीव्स होती हैं और लोटस बड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखने को मिलता है। ये आप इस फिगर में अलाई दरवाज़ा का इंटीरियर भी देख सकते हैं। इट इज़ वेरी ब्यूटिफुली कार्व्ड इनसाइड, बहुत ही अच्छी इसकी कार्विंग अंदर की हुई है रेड सैंडस्टोन में। देन वील कम टू द सेकेंड मीनार, जो कि अलाई मीनार मैंने आपको बताया था। अलाई मीनार रैंडम रबल मेसनरी में आप इसका प्रोपोर्शन देख सकते हो। दिस इज कुतुब मीनार और ये अलाई मीनार है। ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर इसका कंस्ट्रक्ट हुआ था, आज की रेट में इसके ये सिर्फ 25 मीटर हाई इसकी हाइट वो के रह गया था, क्योंकि मैंने बताया अलाउद्दीन खलजी की डेथ जल्दी हो गई थी, 1316 AD में ये बंद हो गया था इसका काम। थर्ड प्रोजेक्ट है अलाई हॉस खास में 1300 AD में। जैसे मैंने आपको बताया इन्होंने सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली प्लान किया था सीरी फोर्ट, इसके लिए कंप्लीट पानी का जो वाटर सप्लाई है इसको कंप्लीट करने के लिए इन्होंने ये वाटर बॉडी या वाटर टैंक कंस्ट्रक्ट किया था जिसको हम अलाई हाउस कहते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो आज की रेट तक कंप्लीटली इंटैक्ट है और यूज में भी आता है। इसके बाद है आपका जो सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली जिसको हम बोल सकते हैं 1303 में, ये नॉर्थ साइड में है मेहरौली के, और ये इसको हम बोलते हैं सिरी फोर्ट। सिरी फोर्ट इसका नाम इसलिए पड़ा है, एक मंगोलियंस जो सोल्जर्स थे उनसे लड़ाई लड़ने के लिए ये फोर्ट बनाया गया था रैंडम रबल मेसनरी में। जैसे मैंने आपको बताया था सुल्तानगढ़ी में जिस तरीके से कॉर्नर्स पे बेसन्स बनाए गए थे उस तरीके के बेसन्स हैं इसमें, और कंप्लीटली इस तरीके से इसके जो बैटलमेंट्स हैं जो वो फ्लेम शेप्ड की हैं, है ना। और इसका नाम सिरी फोर्ट इसीलिए पड़ा कि इसमें हिंदू वर्ड है सर। इस 800 एज मेनी एज 8000 जो सर थे मंगोलियन सोल्जर्स के वो यहाँ पर दफनाए गए थे, इसीलिए इसका नाम सिरी फोर्ट पड़ा है। तो दिस वाज अबाउट योर खलजी डायनेस्टी। इसमें हमने जो मेजर जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो बहुत ही मेजर एम्फेसिस रखता है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा अपने आप में कंप्लीटेड एक बहुत कंप्लीट, बहुत ही प्रोपोर्शन, बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसको आप कह सकते हो वो है। तो दिस वाज अबाउट योर खलजी डायनेस्टी। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम तुगलक डायनेस्टी को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।